हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो दुनिया की सबसे बेस्ट बुक से इंग्लिश सीखते हैं। इस बुक का नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर और ये है आपका रेमंड मर्फी साहब की बुक है ये, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है। तो आपने सेकंड एडिशन आप कहोगे कि रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, और मैंने इसके और इसमें बुक में आंसर्स भी है। इस किताब की विशेषता ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक ग्रामर की अगर आप पूछोगे इंग्लिश सीखने के लिए, वो भी स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा किताब यही बिकती है। तो आपने वाली किताब लेनी है। इसका एड्रेस ये रहा इसके अंदर, और इस बुक के अंदर जो है मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए और आपने ये ख़रीदनी है। और आप इसको पढ़ने के बाद मेरे को इतना पता है कि आपको करेक्ट इंग्लिश आएगी, इंप्रेसिव इंग्लिश आएगी, और आप इधर उधर भटकना बंद करो। आप उन लोगों के वीडियोस देखना बंद करो जो कहते हैं दुनिया के किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तूफान ये सेंटेंस हो, कोई भी हो, वो आपको झूठ बोल रहे होते हैं, आपको थंबनेल से आकर्षित कर रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं सिखा रहे होते, वो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं और बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हो। प्लीज़ बच्चों, आप ऐसे लोगों के जो है ऐसे लोगों से मत पढ़ा करो। आप जो है वो एक तूफानी सेंटेंस है, कैसे भी ट्रांसलेशन करो। और दूसरा ये है कि जो आपको ट्रिक्स बताते रहते हैं आप उनके भी वीडियोस देखना बंद करो, क्योंकि इंग्लिश सीखने की कोई ट्रिक नहीं होती, वो सिर्फ मेथड्स होते हैं। और आपने क्या काम करना है कि और मेहनत सिर्फ एक ही ट्रिक होती है इंग्लिश सीखने की, कोई विशेष भाषा सीखने की देर इज ओनली वन ट्रिक, दैट इज हार्ड वर्क विच इज गोइंग टू जस्ट हेल्प यू टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो आपको उन मतलब कि आपको उन टीचर्स से नहीं पढ़ना जो कि आपका समय बर्बाद करते हैं। तो शुरू करें। अच्छा देखो, ये हम जो है इसमें आपका आज हम करेंगे 26 यूनिट करेंगे। ये इसमें व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, तो इस यूनिट मतलब तुम कल क्या कर रहे हो, तुम कल क्या करने वाले हो, मतलब व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, तो कल तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो ये इसमें बता रखा है इस यूनिट के अंदर, मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया है इसके अंदर, इससे पहले मैंने 26 में इंट्रोडक्शन दे दी, वो आप देख लेना। अच्छा देखो, ये यूनिट में बताया गया कि प्रेजेंट कंडीशंस का प्रयोग आप फ्यूचर के लिए भी कर देते हैं। इस यूनिट में क्या बताया गया है कि प्रेजेंट कंडीशंस का प्रयोग आप फ्यूचर के लिए कर देते हैं, और इवन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है, उसका भी यूज फ्यूचर टेंस के लिए हो जाता है, फ्यूचर बताने के लिए। आप गागे के मतलब से मत देखो, गा है, गी है, गे, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ना उसके हिसाब से। तो यहां पर हम देखेंगे प्रेजेंट कंडीशंस का प्रयोग, बहुत बहुत प्यारा प्रयोग आपका फ्यूचर बताने के लिए। किसके बताने के लिए? फ्यूचर बताने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट कंडीशंस का प्रयोग फ्यूचर बताने के लिए होता है, ऐसा फ्यूचर जो निकट भविष्य में होने वाला है, मतलब ऐसी बातों के लिए जो निकट भविष्य में होने वाली है और जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी कि अपना प्लान्स और टाइम टेबल, सॉरी प्लान्स और अरेंजमेंट, अपने पर्सनल जो अपना पर्सनल प्लान से अरेंजमेंट होते हैं। तो आप प्रेजेंट कंडीशंस में आप बताते हैं, जैसे कि कल बुआ आ रही है, कल हम जो अगले मंगलवार को हम घूमने जा रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस वगैरह बताने के लिए, मतलब हम ठीक है अगले महीने हम पार्टी, अगले महीने हम जो है अगले महीने हमारी सिस्टर की शादी हो रही है, या फिर नियर फ्यूचर वाला, अगले हफ्ते मेरी सिस्टर की शादी हो रही है, तो ये प्रेजेंट कंडीशंस में बताते हैं आप, ठीक है। और तो जरा देखते हैं इसके अंदर। तो फ्यूचर बताने के लिए हम प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर बताने के लिए हम प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अच्छा कहते, देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशंस का ये प्रयोग तो पता ही है कि जो काम चल रहा है उसके लिए होता है, कि दे आर प्लेइंग टेनिस नाउ, यानी कि वो अब टेनिस खेल रहे हैं, काम चल रहा है। तो प्रेजेंट कंडीशंस का पहले प्रयोग तो हमें पता है कि उस कार्य के लिए होता है जो काम बोलते समय हो रहा है। दे आर प्लेइंग टेनिस नाउ, यानी कि दे आर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे हैं, यानी कि अब की बात हो रही है। दे आर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस अभी भी के देख रहे हो, इसके अंदर देख लो टेनिस खेल रहे हैं वो, तो जो काम चल रहा है उसके लिए हो रहा है। अच्छा यहाँ पर ये वाला देखो, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, कल मैं टेनिस खेल रहा हूँ, यानी या फिर मैं कल मैं टेनिस खेलूंगा, लेकिन यहाँ पर ये इसमें इसकी डायरी में लिखा हुआ है, इसमें टाइम टेबल है, मतलब इसका वो अरेंजमेंट है, इसका क्या है अरेंजमेंट है, इसका खुद की डायरी में लिखा है, उसका खुद का प्लान है, खुद का अरेंजमेंट है इसका, कि मैं आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, ये फ्यूचर के लिए हुआ है। यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन जो है ना, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, कल मैं टेनिस खेल रहा हूँ, या कल मैं टेनिस खेलूंगा, ओके। तो मैं कल, यार कल तो मेरे को टेनिस खेल रहा हूँ यार, मैं तो कल तो इस टाइम पर, तो टाइम बता रहा है उसने टेनिस का, ठीक है। तो उसने ये उसका प्लान, तो प्रेजेंट कंडीशन का प्रयोग आप अपने खुद के पर्सनल या अपने, ठीक है, तो आप पर्सनल प्लान से अरेंजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। देखो जैसे तो इसमें क्या रखा है, इसमें वी यूज एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी प्रेजेंट कंडीशन फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ। हमें पता है कि प्रेजेंट कंडीशन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, हमें पता है प्रेजेंट कंडीशन, पहले उसने फॉर्मूला दे दिया कि एज एम आर करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगा देते हैं, और फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ, जो काम चल रहा है उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेयर आर सू एंड कैरोलिन, वेयर आर सू एंड कैरोलिन, कैरोलिन सू और कैरोलिन कहाँ हैं, दे आर प्लेइंग टेनिस इन द पार्क, वो तो पार्क में टेनिस खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग टेनिस इन द पार्क, वो पार्क में टेनिस खेल रहे हैं, यानी कि टेनिस खेलने का काम चल रहा है। प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया शांत हो जाओ, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि काम चल रहा है, ठीक है। तो हमें पता लग गया प्रेजेंट कंडीशंस, ये तो पहले ही पता है कि प्रेजेंट कंडीशंस का प्रयोग जो काम चल रहा है उसके लिए होता है।
अच्छा आगे कहते हैं वी ऑल्सो यूज इज एम आर प्लस वन पी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर द फ्यूचर टुमारो नेक्स्ट वीक, यानी कि आप जो है प्रेजेंट कंडीशन का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए भी करते हैं, ये बता रहा है उसके अंदर ये, ठीक है। वी ऑल्सो यूज इज, ठीक है ना, एम इज आर, ठीक है, वर्क पी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर द, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन, ये आपका एम इज आर प्लस वर्क पी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी मतलब फ्यूचर, ये प्रेजेंट कंडीशन ही तो है वाला, तो ये प्रेजेंट कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं आप फ्यूचर के लिए भी, जैसे टुमारो नेक्स्ट वीक, जैसे एंड्रयू इज प्लेइंग टेनिस टुमारो, कल एंड्रयू टेनिस खेल रहा है या टेनिस खेलेगा, डिसीजन अभी नहीं हुआ ये, इसमें आप जब कहोगे ना एंड्रयू इज प्लेइंग टेनिस टुमारो तो आप हिंदी बनाने की कोशिश करोगे, एंड्रयू कल टेनिस खेल रहा है, इसका ये भी हो सकता है कि एंड्रयू कल टेनिस खेलेगा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी प्लानिंग है, उसने ये उसका प्लान है उसमें और ये फिक्स हो गया उसका खेलना, उसने अपने यार दोस्त वगैरह से कह दिया उसका जाना पक्का है, मतलब टाइम उसमें तैयारी हो गई है, तो एंड्रयू इज़ प्लेइंग टेनिस टुमारो, कल एंड्रयू टेनिस खेल रहा है या टेनिस खेलेगा, अगर आपको पता लगा कल एंड्रयू टेनिस खेल रहा, कुछ एक सेंटेंस हमें नेचुरल से लगते हैं, कल बुआ आ रही है, जाने वाले तो कल बुआ आ रही है, अगले हफ्ते हम पार्टी रख रहे हैं, तो ये तो ठीक है नेचुरल से, यहाँ पर एंड्रयू इज़ प्लेइंग टेनिस टुमारो, कल एंड्रयू टेनिस खेल रहा है, तो आपको खेल रहा है कल खेल मतलब खेल खेलेगा मतलब, यानी कि लेकिन प्लानिंग हो गई उसका, ये प्लान है, एंड्रयू इज़ प्लेइंग टेनिस टुमारो, आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते काम नहीं कर रहा, मतलब अगले हफ्ते मैं काम पे नहीं जाऊँगा भाई, सीधी सी बात है, आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, क्या कह रहे मैं काम पे अगले मैं ऑफिस ना जा रहा भाई अगले हफ्ते जो है, क्योंकि अब प्लानिंग हो गई है, आपको कहीं और जाना है, आपका कुछ और काम है, आपका कुछ तो यानी कि आपने पहले अपने जो बॉस है अपना जो है अपनी वर्कर को आपने कह दिया है या अपने यार दोस्तों को बता दिया, सबको पता है कि यू आर नॉट, आप अगले महीने अगले हफ्ते जो है काम नहीं कर रहे, छुट्टी पर जा रहे हो, तो कहते आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते काम नहीं कर रहा हूँ, यानी कि अगले हफ्ते मैं ऑफिस में नहीं आ रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते तो छुट्टी ले रहा हूँ, यानी कि ठीक है आई एम नॉट वर्किंग, यानी फ्यूचर के लिए आप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मैं काम पर नहीं आ रहा। अच्छा आगे कहता है, तो आप जरा एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं इसके अंदर, ये देखो इसमें कहते हैं आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट, कंसर्ट होता है जो संगीत सभा होती है उसे बोलते हैं कंसर्ट, ठीक है, यह कंसर्न कह दो, आई एम गोइंग टू अ कंसर्न टुमारो, मैं कल एक ठीक है संगीत सभा में जा रही हूँ, तो गोइंग टू का भी आप प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट कंडीशन है इसमें, सॉरी ये आपका ये गोइंग टू मतलब प्रेजेंट कंडीशन है, ये गोइंग के बाद टू के टू करके अगर वर्ब आती है तो वो गोइंग टू फॉर्म कहलाती है, अभी थोड़ा अभी तो बताऊंगा आपको, तो ये प्रेजेंट कंडीशन है, आई भाई आई के साथ एम लग गया फिर गोइंग लग गया, ठीक है, तो आप कहते हैं आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट टुमारो, कल मैं एक मतलब कि म्यूजिक सभा में जा रही हूँ, यानी कि आपका जाना पक्का हो गया, आपने जो प्लानिंग कर ली है इसके अंदर, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ बच्चों कि इनिशियली शुरू में शायद आपको चीज़ें समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आपको जो आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है एज योर अंडरस्टैंडिंग गोज़ इंक्रीज़ेज़ एज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ लैंग्वेज इंक्रीज़ेज़ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट मोर डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स, और आपको ना वो आइडिया आपके दिमाग में वो घूमने लग जाता है, ठीक है, तो कहता है इसमें आई एम डूइंग समथिंग टुमारो, कल मैं कई काम कर रहा हूँ, आई हैव अरेंज टू डू इट, मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है, मैंने प्लानिंग कर ली, मैंने अरेंज हो इसका बंदोबस्त हो गया, आई हैव प्लान टू डू इट, और मेरा इसे करने का प्लान है, जैसे एलिस इज गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑन फ्राइडे, एलिस फ्राइडे को डेंटिस्ट के पास जा रही है, अच्छा गोइंग टू के अंदर जरा गोइंग टू में जरा टेंशन सी है, गोइंग टू में आपको बताऊँ, गोइंग टू देखो गोइंग के बाद टू लग रहा फिर एक नाउन लग रहा है डेंटिस्ट, यहाँ पर देखो गोइंग टू के बाद, यहाँ पर देखो गोइंग टू करके वर्क की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो ये जो है ना ये वाला ये भी फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन अब ये यहाँ पर गोइंग टू के बाद कोई नाउन वगैरह आ जाए या प्रोनाउन वगैरह आ जाए तो मतलब ये प्रेजेंट कंडीशन है, इज एम आर करके ये गोइंग करके टू करके कोई नाउन वगैरह है, कोई नाम वगैरह है, कोई जगह का नाम आ जाए, लेकिन गोइंग टू के बाद अगर वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो अलग स्ट्रक्चर है, वो क्या है, ये तो प्रेजेंट कंडीशन है, मैं जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये प्रेजेंट कंडीशन है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये गोइंग टू लग रहा है, और ठीक है ना ये प्रेजेंट कंडीशन है, ये देखो ना आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ टू द मार्केट, ये प्रीपोजिशन है, ये बता रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये तो प्रेजेंट कंडीशन है, टू करके आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये प्रेजेंट कंडीशन है, लेकिन अगर आई एम गोइंग टू यहाँ पर ये आपका गोइंग टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ध्यान कर लेना, आई एम गोइंग टू उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट कंडीशन नहीं है, इसको गोइंग टू फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलचो,
गोइंग टू फॉर्म, क्या गोइंग टू फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बेटा, जरा इसका इस्तेमाल आप सीखोगे जो डिटेल में, गोइंग टू फॉर्म जिसे बोलते हैं, गोइंग टू फॉर्म करने वाला हूँ, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया ये गोइंग टू फॉर्म, ये प्रेजेंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचोगे भी प्रेजेंट कंडीशन क्यों, आई एम गोइंग के बाद टू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये गोइंग टू फॉर्म कहते हैं इसको। लेकिन गोइंग के बाद अगर टू करके नाउन वगैरह आ रहा है, कुछ ना जगह का नाम वगैरह आ रहा है, कोई वर्ब नहीं आ रही, वर्ब नहीं आ रही, तो प्रेजेंट कंडीशन है, क्या वो गोइंग के बाद, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि यहाँ पर ये मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी, क्योंकि चीज़ें मतलब कि आपका कंसेप्ट, एक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाता तभी उसको चीज़ें समझ में आती हैं, देखो वरना दिमाग ना खराब हो जाता है फिर। देखो इसमें कहता है तो यहाँ पर एलिस इज ए प्रेजेंट कंडीशन, अब तो समझ में आ गया आपको, एलिस इज गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑन फ्राइडे, एलिस डेंटिस्ट के पास जा रही है फ्राइडे को, तो शी हैज एन अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट है भाई टू सी द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट से मिलने की उसकी अपॉइंटमेंट, उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड होता है सैटरडे संडे, वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, अगले सैटरडे संडे को हम पार्टी कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, वी आर हैविंग अ पार्टी, हम पार्टी कर रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशन, वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, हम अगले हफ्ते पार्टी, अगले सैटरडे संडे को पार्टी कर रहे हैं। आर यू मीटिंग बिल दिस इवनिंग, क्या तुम शाम को बिल से मिल रहे हो, जो है बिल एक लड़का है, तो आर यू मीटिंग बिल दिस इवनिंग, क्या आप शाम को बिल से मिल रहे हो, आप क्या आप उसे मिल रहे हो। What are you doing tomorrow evening? कल शाम को तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे? What are you doing tomorrow? यानी कि आपका कल, आप पूछ रहे हैं सामने वाले से कि भाई तेरा प्लान क्या है। What are you doing tomorrow evening? कल शाम को तुम क्या कर रहे हो? आई एम नॉट गोइंग आउट टू नाइट, आज शाम को मैं, आपने प्लान बना देखो, आई एम नॉट गोइंग टू आउट टू नाइट, मैं आज शाम को बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं आज बजे कोई है कि आप हर शाम को बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, थोड़ा टहलने टहलने जाते हैं, तो आप कहते हैं मना कर, आई एम नॉट गोइंग आउट टू नाइट, आज मैं शाम को घूमने नहीं जा रहा हूँ, आई एम स्टेइंग एट होम, यानी कि आपने ये आपने पहले से ही सोच लिया है, आपने पहले से ही सोच लिया और आपने इसकी तैयारी कर ली है, ये नहीं, ठीक है। अगर आप उसी टाइम पर कहते हैं, आप उसी टाइम पर कहते हैं तो विल का इस्तेमाल करते, क्या करते हैं आप, विल का इस्तेमाल करते, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपने प्लानिंग कर ली है आपने, तो आई Not going out tonight, आज मैं शाम को घूमने नहीं, तो आपको डिफरेंस सीखना है। आपको क्या है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेवकूफ़ वाली बात नहीं बता रहा मैं, क्या मैं आपको जो है वो कहते रहते कि चुटकी में तूफानी सेंटेंस, तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इतने मासूम होते हैं कि बच्चे ना उन वीडियो थंबनेल को देख करके उस पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फिर वो आकर्षित हो जाते हैं, फिर वो जो है उसे देखने लग जाते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन टाइम आएगा, जो बच्चे, मेरे को पता है मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर बहुत बहुत समझदार हैं, और वो आने वाला टाइम में वो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ, जिनको वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आएंगे किसी दिन, ये इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वो देखेंगे कि हाँ इसके अंदर है, और वो आने वाले टाइम में वो कहा करेंगे कि हमने अपना वहाँ जाके समय बर्बाद किया। अच्छा देखो, आई एम नॉट गोइंग आउट टू नाइट, आज शाम को मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, आई एम स्टेइंग एट होम, मैं शाम को तो घर पे ठहर रहा हूँ, मैं ना जा रहा हूँ, सीधी सी बात है। अच्छा, यू कैन ऑल्सो से आई एम गोइंग टू डू समथिंग, यानी गोइंग टू डू का भी इस्तेमाल कर सकते, गोइंग के बाद टू करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। अच्छा देखो, इसमें कहता है, ये कहता है डू नॉट यूज़ अ प्रेजेंट सिंपल फॉर प्लान्स अरेंजमेंट, अपने खुद के प्लान्स वगैरह, जो प्लान्स और अरेंजमेंट होते हैं, आप उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल नहीं करते, प्रेजेंट डेफिनेट वगैरह का इस्तेमाल आप जो नीचे दे रखा टाइम टेबल वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहता है आप प्लान्स और अरेंजमेंट के लिए प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल करो, प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल मत करो, मैं जी प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक है। तो कहता है डू नॉट यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स, कि आप प्लान्स और अरेंजमेंट्स के लिए आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल मत करो, आप प्लान्स और अरेंजमेंट जो आपके पर्सनल खुद के हैं, जो आपने जिनके लिए मतलब ऐसे कारण जिनके लिए आपने सोच लिया है, मतलब जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जो निकट भविष्य में होने वाले हैं, तो उनके लिए आप प्रेजेंट कंडीशंस का प्रयोग करोगे, क्या कह रहा है वो, इसमें आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल नहीं करोगे। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, टाइम टेबल प्रोग्राम, ट्रेन बस वगैरह के जो प्रोग्राम वगैरह होता है, ट्रेन इतने बजे जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इसमें, आपको बड़ा अजीब सा लगने लगा, अच्छा अब बड़ा अजीब सा आपको लगेगा इसमें जो है ना, जब मैं आपको हिंदी बताऊंगा इसकी, जरा देखो यहाँ पर, तो ये बात समझ आएगी, आप प्लान्स और अरेंजमेंट के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर डू नॉट यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर प्लान्स अरेंजमेंट, आई एम स्टेइंग एट होम दिस इवनिंग, आज शाम को मैं घर पर ठहर रहा हूँ, ये आपका अपना प्लान है, आपका अरेंजमेंट है, आई एम स्टेइंग एट होम दिस इवनिंग, आज शाम को मैं घर पर ही रुकूंगा, मतलब रुक रहा हूँ मैं शाम को, मैं नजारा भाई बाहर। आर यू गोइंग आउट टू नाइट, क्या तुम अब शाम को घूमने जा रहे हो, आर यू गोइंग आउट टू नाइट, तो आपका ये अरेंजमेंट है, क्या आप पूछ रहे हैं सामने वाले से भी तेरा अरेंजमेंट क्या है, तेरी प्लानिंग क्या है, शाम को तो क्या कर रहा है, आर यू गोइंग आउट टू नाइट, क्या तुम आप शाम को घूमने जा रहे हो।
कहते हैं एन इजेंट कमिंग टू द पार्टी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक एन इजेंट कम टू द पार्टी नेक्स्ट वीक, एन जो है अगले हफ्ते वाली पार्टी में नहीं आ रही है, तो उसने डिसाइड कर लिया है, उसने जो है उसका कहीं और का प्लान है तो वो नहीं आ रही है, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए होगा ना, एन इजेंट कमिंग टू द पार्टी, एन इजेंट कमिंग टू द पार्टी नेक्स्ट वीक, एन इजेंट कमिंग टू द पार्टी नेक्स्ट वीक, ये प्रेजेंट कंडीशन है कि एन अगले हफ्ते जो है पार्टी में नहीं आ रही है, यानी कि पार्टी में नहीं आएगी, मतलब उसने डिसाइड कर लिया, मतलब उसने जो है निर्णय उसको कहीं और जाना उसका, ठीक है ना, कि अभी नहीं आ रही वो शाम अगले हफ्ते पार्टी में नहीं आ रही है, वो सीधी सी बात है, अगले हफ्ते पार्टी में नहीं आ रही, वो तो कहीं और जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बट वी यूज द प्रेजेंट सिंपल, लेकिन प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं फॉर टाइम टेबल, टाइम के प्रोग्राम हो गया, टाइप प्रोग्राम्स हो गया, सरकारी प्रोग्राम, यहाँ प्लान्स अरेंजमेंट है, ये प्रोग्राम वगैरह और ट्रेन बसेज वगैरह, देखो यहाँ पर देखो द ट्रेन प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, जो सरकारी काम वगैरह होता है ट्रेन वगैरह का टाइम टेबल वगैरह के लिए, उसके लिए द ट्रेन अराइव्स एट 7:30, इसका मतलब दो है, द ट्रेन अराइव्स एट 7:30, ट्रेन 7:30 बजे आती है, यहाँ पर इसका मतलब जब आप भी फ्यूचर के लिए कह रहे हैं द ट्रेन अराइव्स एट 7:30, ट्रेन 7:30 बजे आएगी, द ट्रेन अराइव्स एट 7:30, ट्रेन 7:30 बजे आएगी, ट्रेन साढ़े, इसका यहाँ पर जो मतलब है द ट्रेन अराइव्स एट 7:30, ट्रेन 7:30 बजे आएगी, यहाँ पर का मतलब ये भी हो सकता है कि आप ये टाइम टेबल बता रहे हैं उसका मतलब रूटीन बता रहे हैं, द ट्रेन अराइव्स एट 7:30, ट्रेन 7:30 बजे आती है, इसका यहाँ पर ये मतलब भी है, यहाँ पर ये मतलब भी निकल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में मतलब जाएगा, क्योंकि ये आपका टाइम टेबल वगैरह है, द ट्रेन अराइव्स एट 7:30, ट्रेन 7:30 बजे आएगी, और यहाँ पर मैं ये आप जो है आप इसमें जो है ये, और अगर आपको कोई गलत कहे तो आप ये किताब दे के ना उसके मुँह पर मारना कि ये किताब है तेरे को देख, और ये कैम्ब्रिज की बुक है कि तेरी तो बस की भी नहीं है, ठीक है, जो तू उसको गलत कह दे, कह रहा व्हाट टाइम डज द फिल्म, व्हाट टाइम डज द फिल्म फिनिश, फिल्म कितने बजे खत्म होगी, व्हाट टाइम डज द, ये भी इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि व्हाट डज द फिल्म फिनिश, फिल्म कितने बजे खत्म होती है, इसका मतलब ये भी, लेकिन जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में मतलब जाएगा व्हाट टाइम डज द फिल्म फिनिश, फिल्म कितने बजे खत्म होगी, व्हाट टाइम डज द फिल्म फिनिश, फिल्म कितने बजे खत्म होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंस में दो एग्जांपल्स बना रखे हैं इसने, यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशंस में यूजली फॉर पीपल, जो आप प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, ये सिर्फ लोगों के अपने प्लान्स और अरेंजमेंट होते हैं, जबकि प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं टाइम टेबल, प्रोग्राम वगैरह के लिए, जो सरकारी काम वगैरह होते हैं, बसेस वगैरह के। देखो जैसे आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट टुमारो, अपना खुद का आई एम गोइंग, आइए उसका खुद का अपना प्लान है, उसका अपना प्लान है, उसका खुद का अरेंज, उसका वो जो है अरेंजमेंट है, आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट टुमारो, आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट टुमारो, कल मैं एक म्यूजिक प्रोग्राम में जा रही हूँ, द कंसर्ट स्टार्ट एट 7:30, जो कंसर्ट है, जो म्यूजिक सभा है, जो संगीत सभा है, स्टार्ट एट 7:30, 7:30 बजे शुरू होगी, 7:30 बजे शुरू होगी। तो यहाँ पर ये जो मतलब है, क्योंकि ये कंसर्ट जो टाइम टेबल की बात हो रही है तो प्रेजेंट सिंपल करेंगे यूज फ्यूचर बताने के लिए, द कंसर्ट स्टार्ट 7:30, मतलब कहाँ जा रहा है कि वो शुरू होगी, अभी तो देखो टुमारो की बात हो रही है, तो मैं आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट टुमारो, कल मैं जो है कल मैं कंसर्ट में जा रही हूँ, और जो है द कंसर्ट स्टार्ट 7:30, टाइम टेबल के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, द कंसर्ट स्टार्ट एट 7:30, कंसर्ट जो है शुरू होती है, ये इसका मतलब तो ये भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर शुरू होगी 7:30 बजे। व्हाट टाइम आर यू लीविंग, तुम कितने बजे निकल रहे हो, व्हाट टाइम आर यू लीविंग, तुम किस समय निकल रहे हो, इसका ये प्रेजेंट कंडीशन हो गया, जो अपना खुद का अरेंजमेंट है, आप खुद का प्लान वगैरह है। What time does your train leave? तुम्हारी ट्रेन कितने बजे जाएगी? इसका मतलब तुम्हारी ट्रेन कितने बजे जाती है, मतलब तो है ही है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही तो क्या मतलब निकले, What time does your train leave? तुम्हारी ट्रेन कितने बजे जाएगी। बच्चों मैंने वाला ये करवा दिया आपके लिए, और देखो मेरा मेन पर्पज़ क्या है कि आप जो है इंग्लिश टू इंग्लिश वाले जो है, जो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश जो टीचर पढ़ाते हैं ना, ओके, जो अंग्रेज पढ़ाते हैं, आप उनके वीडियोज़ देखने लग जाओ, किताबें पढ़ने लग जाओ इंग्लिश टू इंग्लिश, आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ने लग जाओ, और उन लोगों के चंगुल से बाहर निकलो जो आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं ट्रिक के नाम पर, कि ट्रिक ले लो, ठीक है, और जो है कहते रहते हैं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस तूफानी सेंटेंस हो उसको ट्रांसलेशन कर लो, कि भाई ऐसा है, आप जो है यूर सेल्फ कैन नॉट स्पीक यूनिक फोर करेक्ट सेंटेंसेज, लेंथी सेंटेंसेज, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर जस्ट टेलिंग स्टूडेंट्स टू ट्रांसलेट, ओके इवन अ वेरी वेरी लॉन्ग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो उन टीचर जो है उनको आप उनके बेवकूफ़ बनना बंद करो आप जो है, और अपने यार दोस्त वगैरह को बताओ तो के दैट दे डू नॉट दैट दे मस्ट नॉट बी डिसीव्ड और चीटेड बाय देम, ठीक है, ओके बाय बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।